राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर गारंटी कार्ड को आम लोगों के बीच में बांटा गया। इस अभियान को कांग्रेस का दिल्ली में लोकसभा चुनाव के आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये तस्वीर उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट की है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली में पार्टी के लिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार करते हुए नजर आए। इस दौरान वो पार्टी के गारंटी कार्ड को लेकर जनता के बीच पहुँचे। प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस अभियान में मौजूद नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान कहा कि आज वो दिल्ली की जनता के बीच इस गारंटी कार्ड को लेकर पहुंचे हैं। इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो ये सभी गारंटियों को लागू किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मौजूदा केंद्र सरकार पर भी तंज कसा, कहा कि ये गारंटी मौजूदा सरकार की तरह नहीं है जो कभी लागू ही ना हो। ये राहुल गांधी की गारंटी है जो हर हाल में लागू होगी। आज मोदी हमेशा मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते हैं। जो गारंटी वो बोलते हैं वो गारंटी कोई कामयाब नहीं होता और आज तक उनकी गारंटी लोगों को मिली नहीं। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, अब तक तो कम से कम 10 करोड़ नौकरियां देना था, उन्होंने नहीं दिया। फिर भी मुझे मालूम नहीं क्यों लोग ऐसी प्रचार करते हैं और ऐसे झूठ बोलने वालों को सपोर्ट करते हैं, ये अब मेरे समझ के बाहर है। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर इस गारंटी कार्ड को बांटेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच जाकर कांग्रेसी कार्यकर्ता उन्हें जागरूक करेंगे। अरविंदर सिंह लवली ने ये भी कहा कि आम जनता को समझाया जाएगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद देश में क्या क्या काम किए जाएंगे। हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी, जिसकी घोषणा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय में राहुल गांधी ने की थी, उसे जरूर पूरा किया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे ये कांग्रेस की गारंटी है। बीजेपी की गारंटी का तो लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो 15 लाख रुपए की हो, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो किसानों के एमएसपी की हो, तो वो तो लोग पिछले 10 साल से इंतजार कर ही रहे हैं। ये कांग्रेस की गारंटी है और दिल्ली के लोग जानते हैं कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है। जितने अस्पताल हम बना गए थे आज भी उतने ही हैं। मेट्रो फेज 3 हम सेंक्शन कर गए थे, उसको पूरा करना तो दूर की बात है, नया भी कोई सेंक्शन नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के लोग जानते हैं कि जो कांग्रेस कर गई थी, आज दिल्ली के लोगों ने सबसे ज्यादा खोया। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 4 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो वहीं 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस मैदान में है। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी तक मंथन में जुटी हुई है। उम्मीद है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद दिल्ली की सीटों का ऐलान हो जाएगा। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।